हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं तो ये है गर्म कपड़ों का सीज़न, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न एंड रजाई में घुसे रहने का, तो मज़ा आता है सर्दियों में ये सब करने का। तो सर्दियों की एक और अच्छी बात है विंटर फैशन। तो देखिए, मुझे कोट्स, ब्लेजर्स, स्वेटर्स, कोजी कोजी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक ड्रेसबेरी के ब्लैक कोट की वीडियो डाली हुई है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो हमने मिंत्रा से एक और कोट परचेज़ किया था और इस बारी ये कोट है डार्क ग्रे कलर का और ये भी ब्रांड ड्रेसबेरी का है। तो मैं देखिए, मैंने इसको ओपन करके देख लिया क्योंकि मेरे में ज़ीरो पेशेंस है। वैसे मुझे वीडियो के लिए रुक जाना चाहिए था, पर ये कब का आया हुआ था और बीच में फिर तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत सारे काम और भी थे, फंक्शन थे, तो फिर मैंने इसको खोल के देख लिया और एक बार इसको यूज़ भी कर चुके हैं। तो ये अपनी ऑर्डिनरी मिंत्रा के पैकिंग में आया था, मैंने वीडियो के लिए पैकिंग संभाल के रखी थी, जैसे मिंत्रा के पार्सल आते हैं वैसे हैं, और अंदर ये ऐसे पैक होके आया था। ड्रेसबेरी का ब्लेज़र या कोट, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, वैसे मेरे मुंह से ज़्यादातर ब्लेज़र ही निकलता है, पर है ये कोट। ये इसका स्टिकर है और ये इसी पैकिंग में आया था और ये मैं गाइज आपको बता दूँ, काफ़ी हैवी है, मतलब ऐसा पतला सा मटेरियल नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ब्लेज़र है। तो ये है वो ग्रे कलर। है ना, बहुत ब्यूटीफुल है इसका कलर और ये डार्क ग्रे है तो ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक की फीलिंग भी देता है। और आप इसका देख सकते हैं मटेरियल क्लोजअप में कैसा है, मैं आपको बता नहीं सकती ये कितना ब्यूटीफुल ब्लेज़र है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लेज़र है और अच्छी क्वालिटी का है और ये गर्म भी बहुत है। और ये डबल ब्रेस्टेड ब्लेज़र है, कॉलर आप इसकी चेक कर सकते हैं, जो साइज़ हमने ऑर्डर किया है ये साइज़ स्मॉल है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ब्रांड ड्रेसबेरी एंड साथ में साइज स्मॉल। होप सो कैमरा पिकअप कर पा रहा होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके शोल्डर पे पैडिंग दी है तो ये यहाँ से शेप मेंटेन अच्छी करके रखता है। तो ये जब आप पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लैटिंग रखता है क्योंकि इसके शोल्डर में पैडिंग है, तो ये स्लॉची सा नहीं लगता, परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड ब्लेज़र आता है। आप इसके देख सकते हैं मिलिट्री स्टाइल में यहाँ पे इसके शोल्डर पे डिटेलिंग दी हुई है, बटन लगे हुए हैं, पैडिंग भी दी है इसको। और ये फुल स्लीव कोट है, इसकी स्लीव पे भी थोड़ी सी डिटेलिंग है और आप देख सकते हैं इसको अंदर से ब्लेज़र को, पूरे ब्लेज़र को लाइनिंग है, पॉलिस्टर की लाइनिंग। देखिए, लाइनिंग जो होती है वो जो हार्श मटेरियल होता है उससे हमारी स्किन को भी बचाती है और जो ठंडी हवाएँ होती हैं उससे भी बचाती है। तो इस ब्लेज़र में है 3 पॉकेट्स, एक इसके अंदर है, ये अंदर वाली पॉकेट बहुत यूज़फुल रहती है सामान डालने को, और ये इसका एक्स्ट्रा बटन जो हमने इसी ब्लेज़र में संभाल के रखा है, ये बटन संभाल के रखने चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाते हैं। 2 पॉकेट्स इसके बाहर हैं, एक इस साइड को और दूसरी साइड को, और ये बहुत लंबी पॉकेट्स हैं, देखिए इसमें पूरा हाथ मेरा कैसे आ जा रहा है। और दूसरी साइड को ये है पॉकेट दी हुई। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसको वेस्ट पे बेल्ट दी हुई है, ये देखिए, तो आप इसको चाहे तो पीछे भी टाई अप कर सकते हैं या आगे भी टाई अप कर सकते हैं, आप इससे डबल लुक क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको ओपन भी पहन सकते हैं, आप इसको बटन भी कर सकते हैं, और बटन भी आप इसको दोनों साइड से कर सकते हैं। हाँ, आप इसको दोनों साइड से बटन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी बटन लगाने के लिए जगह दी हुई है, और ये रहे बटन, और इसके इस साइड को भी बटन लगाने की जगह दी हुई है, और ये रहे बटन। तो आप इसको दोनों साइड को, जिस मर्जी साइड को आप प्रेफर करें उस साइड से इसको बटन कर सकते हैं या फिर ओपन भी रह सकते हैं। और ये सूट, साड़ी, सलवार, इवन टॉप, वेस्टर्न वियर, इंडियन वियर दोनों के साथ जाएगा। देखिए, जो ब्लेज़र होते हैं बहुत ही स्टाइलिश और शीक लुक देते हैं, आप बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल नज़र आते हैं। तो देखिए, विंटर्स में आपके पास एक कोट तो होना ही चाहिए, ब्लैक हमारे पास ऑलरेडी था इसलिए हमने ग्रे लिया। देखिए, ये जो कलर्स होते हैं ये इजीली गंदे नहीं होते, कोट्स को बार बार धोना नहीं चाहिए, आप इनको पूरी सर्दियाँ पहने
और फिर उनको सर्दियों में एक बार अंदर रखने से पहले ड्राई क्लीन या फिर खुद घर पर अगर आप अच्छे से वॉश कर सकें तो कर लीजिए। वैसे इन्हें ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए, इनसे की ड्यूरेशन बढ़ती है और आप इनको काफ़ी सालों तक चला सकते हैं। देखिए विंटर्स के कपड़े ऐसे लेने चाहिए जो काफ़ी सालों साल चले, क्योंकि ये महंगे होते हैं। सर्दियों गर्मियों के कपड़े आप 200-300 रुपए के टॉप ले सकते हैं, पर ये महंगी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये ब्लेज़र मुझे कितने का पड़ा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, और ये मॉडल के ऊपर कैसा लग रहा था वो भी मैं आपको बीच बीच में वीडियो के स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी, और ये मेरे ऊपर कैसा लगता है मैं वीडियो के एंड में आपको पहनकर ज़रूर दिखाऊंगी। था ड्रेसबेरी ब्लेजर का डिटेल्ड रिव्यू, होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको फैशन से रिलेटेड और वीडियोस या फिर हॉल वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।